एमकेएन ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ी लिया होगा, आज हम बात करेंगे जियो के 498 फ्री रिचार्ज के बारे में। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इसको कैसे क्लेम करना है, इसके प्रोसेस को पूरी तरह से डिटेल में समझें, क्योंकि देखिए ये हो सकता है कि इसका लाभ सभी को ना मिले, कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही मिले। तो यहाँ पर आपको कोई भी छोटी सी गलती नहीं करना है, इसको क्लेम करने का पूरा प्रोसेस आप समझ लेंगे तो इसका आप पूरा लाभ उठा सकेंगे। और एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि मैंने इस वीडियो के कमेंट्स ऑफ करके रखे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई कमेंट के माध्यम से आपको भ्रमित करने का, कंफ्यूज करने का प्रयास करे, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है। तो वीडियो में पूरा एंड तक मेरे साथ बने रहिए, छोटा सा ही वीडियो होगा, 5 मिनट के अंदर मैं इसको कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। तो देखिए सबसे पहली बात तो है कि व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आता है, जैसा कि अभी आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं। अगर आपको ये मैसेज अभी तक नहीं आया है तो आपको क्या करना है, ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, वीडियो में पूरा एंड तक मेरे साथ बने रहिए। तो इसमें देखिए jio.com लिखा हुआ है और 31 मार्च लास्ट डेट है ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन आप घबराइए नहीं, अगर आप 31 मार्च के बाद भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। अब करना क्या होगा इसको आप देख लीजिए, पूरा पहले पूरा देखिए, पूरा समझिए, उसके बाद ही आप कुछ कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको इसका जो बेनिफिट जो है, फायदा जो है, नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर HTTPS भी लिखा हुआ है, एक लिंक दिया हुआ है, तो इस लिंक पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे एक फॉर्म ओपन होता है जिसमें नाम, पता, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब डिटेल हमें अपने पर्सनल डिटेल जो है लिखने होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपने डिटेल्स यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको शेयर करने का परमिशन हमसे मांगा जाए। तो देखिए ज्यादा बड़ी बात तो कुछ नहीं है, हमें अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है और कुछ ग्रुप्स में इसको शेयर करना है। इसका फायदा हमें कैसे मिलेगा इसको समझना होगा। देखिए इसका कुछ फायदा नहीं है, यहाँ पर हमने अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दिया तो ये इन्फॉर्मेशन सीधे चला जाता है साइबर फ्रॉड्स के पास, अपराधियों के पास। अब उन्होंने क्या है, इसका एक अभी स्कैम बना के रखा है, फ्रॉड बना के रखा है। तो इस फॉर्म को जब हम फिलअप करके सबमिट करते हैं तो अपराधियों के पास हमारी जानकारी चली जाती है और वो इसका मिसयूज करते हैं, हमारा फोन को भी हैक करने का प्रयास कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें जो है बार बार कॉल कर सकते हैं, हमारा नाम, एड्रेस, फोन नंबर उनके पास चला जाता है, हमारे साथ कई तरह के फ्रॉड करने का वो प्रयास कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस फॉर्म को क्लिक नहीं किया और सबमिट नहीं किया, इस लिंक को क्लिक नहीं किया, फॉर्म को सबमिट नहीं किया, तो ऐसा कुछ मत कीजिए, ये बिल्कुल फ्रॉड है, 100% फ्रॉड है, इसमें आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। मैंने अभी तक रिलायंस जियो के ऊपर कोई भी चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं बनाया, ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि मैं आपको, आपके पास एक सही जानकारी पहुंचा सकूं, आपको अलर्ट कर सकूं, आपको सावधान कर सकूं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसको सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।